लियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। सिंह राशि लियो साइन के लिए, थैंक यू वेरी मच। सिंह राशि लियो साइन, आई फील लाइक लियो, आपको इस हफ्ते थोड़ा सा अपने इमोशंस पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपके इमोशंस जैसे कंट्रोल में ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्यार से भी अगर आपके साथ बात करता है, आप उत्तेजित हो जाते हो, या आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं, मूड स्विंग्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका स्वभाव वाकई में ऐसा है, नहीं, कभी कभी ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हमारे स्वभाव में ऐसा बदलाव आता है। तो ये संभव है कि कोई ना कोई वूंड आपका ओपन हो गया है, या फिर आपको किसी ने हर्ट किया है, और उसकी वजह से थोड़े से वो तिल मिलाना जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा आपके स्वभाव में बदलाव आया है। और इस हफ्ते आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप किसी की गलती की सज़ा किसी और को ना दें। किसी ने अगर आपको हाहत किया है तो उसका बदला हमें किसी और से नहीं लेना है। ठीक है, मुझे आपके इमोशंस में इस हफ्ते बहुत इंटेंस एनर्जी महसूस हो रही है, और मैं अक्सर कहती हूँ सिंह राशि के लिए कुछ भी इंटेंस होना मतलब खतरे की निशानी। कुछ भी इंटेंस हुआ वहाँ पर रेड फ्लैग मिल जाता है हमें। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वन मोर टाइम प्लीज, शून्य। ओके, यहां पर है हमारे पास मैजिशियन। आई थिंक कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो सकती है आपको कि मैं सब कुछ कर रहा हूं ना, कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा। आप कहते हो कि सब अच्छा हो रहा है लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो जैसे कोई गिला शिकवा भी हो सकता है आपके मन में, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर सेल्फ डाउट है गाइज। आई नो मैजिशियन की ऊर्जा मैनिफेस्टेशन के बारे में, ड्रीम फुलफिल होने के बारे में है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं एनर्जीज को रीड करती हूँ। और यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा है वो ये है कि डाउट है, यहाँ पर गुस्सा है, यहाँ पर है कि हाँ मैं कर तो लूँगा लेकिन मैं दिल से नहीं कर रहा, मैं गुस्से से कर रहा हूँ ये जो काम आपको करने को कहा गया है। तो थोड़ा सा अगेन आपके स्वभाव में दिक्कत है इस हफ्ते। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन को लेकर भी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, मेरी विशेष पूरी नहीं हो रही, सबकी तो हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही, मेरा चांस कब आएगा। यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, या मुझे लगा था, मैंने कहा आपको सिंह राशि के लिए कुछ भी एक्सट्रीम मतलब थोड़ी सी खतरे की निशानी, और ये एक्सट्रीम एनर्जी है आपके लिए। कोई ना कोई वूंड ओपन हुआ है गाइज आपका, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई पुराना जख्म किसी ने ताज़ा कर दिया है, और उसकी वजह से आप थोड़े से ना वो घायल शेर वाली एनर्जी में चले गए हो। घायल शेर बहुत खतरनाक होता है गाइज, घायल शेर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जंगल में। तो आप इस हफ्ते वैसे ही हो, आप बिना बात पर गरज सकते हो लोगों के ऊपर, जो कि हमें नहीं करना, क्योंकि बाद में आपको बहुत बुरा फील होगा कि हाँ उसकी तो गलती भी नहीं थी, मैंने उसको ऐसे ही कुछ कह दिया। तो उस एनर्जी में नहीं जाना है सिंह राशि को इस हफ्ते। आपका जो वूंड है अगर उसको हील करने की कोशिश करो, या फिर जिसने आपको दर्द दिया है अगर उसके साथ पीस क्रिएट कर सकते हो, या उसको माफ़ कर सकते हो। अगर नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उसको पुश करो, फॉरगिवनेस को कभी भी पुश नहीं करना चाहिए कि हाँ क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस करने से मेरी हीलिंग हो जाएगी मैं फॉरगिव कर दूँ। नहीं, ऐसे फॉरगिवनेस नहीं होती। वो भाव अगर आपके मन से उत्पन्न नहीं होगा, वो फॉरगिवनेस आप नहीं कर पाओगे। लेकिन इन केस आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा हर्मिट की ऊर्जा में चले जाओ, थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेशन में ले जाओ, ताकि ना आप किसी को हर्ट कर सको आपके इस खुले हुए वूंड की वजह से, घायल शेर की वजह से। यहां पर भी तीसरा मेजर आर्काना टेम्परेंस, यहां पर हमें वही मैसेज दे रहे हैं जो मैंने अभी आपको कहा कि हील कर लो खुद को, खुद को थोड़ा सा, ये जो खुल गया है आपका जख्म, इसको देखो कि हाँ
ये हुआ है, सो हुआ है, अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, क्या मुझे इसको ही लेकर गुस्से में रहना है या फिर मेरे पास कोई और जरिया है इस पूरे तांडव से खुद को बाहर निकालने का। ये तांडव है, ये चीज आपको टिकने नहीं देगी, और ये इसको सिर्फ इस हफ्ते तक मत देखिएगा, ये एनर्जी आपका तब तक आपको टिकने नहीं देगी जब तक आप उसके साथ पीस क्रिएट नहीं कर लेते, जब तक आप उस चीज के साथ हीलिंग शुरू नहीं कर लेते, ये नहीं टिकने वाली, इसका वो अक्स रह जाएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हील करना है गाइस। रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो ये रिलेशनशिप में है, करियर के लिए देख रहे हो तो ये करियर में है। माने ये वेट भी हो सकती है कि मैंने किसी चीज के लिए मान लीजिए अप्लाई किया है लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं, नो रिस्पॉन्स, साइलेंट एनर्जी जो हो रहा है, बस आप उसको बर्दाश्त करते जा रहे हो, उसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा आपके अंदर वो पनपता जा रहा है, जैसे वो वॉल्केनो नहीं होता ज्वालामुखी, ये वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एम्परर। गाइस लिसन, आप होप मत गवाइए, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी होप गवाते जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे मेरी दिशा ही बदलनी पड़ेगी, मुझे मेरे सपनों को गिव अप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये कार्ड्स पांचों के पांचों मतलब बहुत हाई वाइब्रेशन के हैं, ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में ही हमें जानकारी देती हैं, यकीन मानिए। लेकिन क्योंकि आप खुद बहुत ही एक वो रूट चक्रा जैसे किसी का बहुत खराब है और उसकी वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी नहीं देख पा रहा, तो वैसी हो रखी है सोच आपकी। थोड़ा सा अपने आप को होप दो, होप का पानी डालो अपनी जड़ों में, उसकी कमी हो रखी है मेरी जान, होप का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इस वक्त, इस हफ्ते आपको। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगति में उठिए बैठिए, ये सब आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते हो तो बस आइसोलेट कर लो खुद को और मेडिटेशन करो, और कुछ भी नहीं करना है तो बस अपने आप को आइसोलेट करके मेडिटेशन करो, उससे भी बैलेंस दोबारा से जीवन में आएगा। लेकिन ये हफ्ता बहुत इंटेंस है आपके लिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके वातावरण में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल में आपकी बात को सुनेंगे, इनके ऊपर अगर आप गुस्सा भी कर दोगे ना फिर भी ये गुस्सा नहीं करेंगे, ये वो लोग हैं। लेकिन मेरी जान, हर कोई आपके गुस्से को नहीं बर्दाश्त कर सकता ना, हर किसी के पास ईगो है, हर किसी की ईगो हर्ट हो जाती है, हर कोई आपके गुस्से को नहीं सुनेगा, आपकी ऊंची टोन को नहीं सुनेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जो लोग हैं, क्यों ना आप इनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो कि हाँ भाई मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगनी पड़ेगी। आई थिंक कुछ लोगों के फैमिली में भी इशू हैं, खास करके फादर के साथ या बड़े भाई के साथ अगर कोई इशू चल रहा है आपका, वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर कुछ ना एक सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है इसमें एक शख्स को तो सरेंडर करना पड़ेगा, ये सरेंडर्ड ऊर्जा है, ये एरोगेंट ऊर्जा है, तो इनमें सुलह हो सकती है अगर बात करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर दोनों ही एरोगेंस में है, दोनों ही मान लीजिए लियो है और दोनों ही वाउंडेड सोल्स हैं, एक दूसरे को काटने पर आएंगे दो घायल शेर ना एक दूसरे को काटने पर आते हैं, तो वो नहीं करना है हमें। मिडिल पाथ को चूज कीजिएगा इस हफ्ते, ठीक है। आपका अगला कार्ड है कुटमी, क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आई थिंक ये आपकी हायर सेल्फ है, यहाँ पर लियो की हायर सेल्फ बहुत स्ट्रांगली इसे कह रही है कि तुम वो देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो, माने कि नेगेटिविटी। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, थोड़ा सा कुछ पॉज लो, बेसिकली हैंड मैन की ऊर्जा, आपको एक्चुअल में पॉज की ज़रूरत है, आप भागते जा रहे हो, दिन रात आपकी शायद डे ड्रीमिंग भी बहुत चल रही है, रात को आप देर तक नींद आती भी है लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि नो नींद नहीं, मुझे सोचना है, मुझे सोचना है, जैसे कोई चूज कर रहा है स्ट्रेस को। तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि इतने स्ट्रेस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के आंसर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी वो आंसर है। पॉसिबल है कि आपको इस हफ्ते शून्य 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 नंबर बहुत नज़र आए, शून्य की ऊर्जा आपके मतलब साए के साथ चलेगी आपके साथ, और वो उसका रीज़न यही है, वो कह रहे हैं कि शुरू से शुरू करो, शुरू से शुरू करो, मुझे यही सुन रहा है यहाँ पर। तो शून्य की ऊर्जा रहेगी साथ आपके। यहाँ पर है एरो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। पॉसिबल है कि ऐसा ये जो हुआ है ये किसी एनर्जी वैम्पायर की भी चाल हो, आपसे ऊर्जा छीन ली, आपको कमजोर कर दिया, खुद ताकतवर हो गया। तो एक्सक्यूज मी,
तो अगर ऐसा भी है सॉल्ट बाथ लीजिए, इंसेंस सेज बाथ भी ले सकते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. यू नो, आपकी एनर्जीज कुछ नेगेटिव दिशा में चल रही है, थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करना है आपको इस हफ्ते. ठीक है, यहाँ पर है एंजल लाइट, वेरी नाइस, मुझे बहुत पसंद है ये क्रिस्टल. सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, मैंने कहा आपसे अच्छे लोग भी हैं जिनके साथ आप बांट सकते हैं अपने दिल की बात को कि हाँ भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं और मुझे हेल्प चाहिए, मैं खुद को हील करना चाहता हूँ इस ड्रामा से, अब मुझे क्लोजर चाहिए, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ. तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा बन सकती है इस हफ्ते. जो भी स्पिरिचुअल रूटीन है, जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोट्स हैं, किताबें हैं, लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, उनकी संगति, उनकी छत्र छाया आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी. ठीक है, यहाँ पर है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस. आई थिंक कहीं ना कहीं इस हफ्ते के अंत तक ना आपके लिए अवेकनिंग है किसी किस्म की, और अवेकनिंग का मतलब सिर्फ वो आहा वो नहीं होता, कभी कभी कोई एक साइलेंट रियलाइजेशन कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप से पूछना. मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ. यू नो, वो एक बहुत अच्छा आई थिंक एक जरिया है हमें एक प्रेजेंट मोमेंट के साथ जोड़ने का, या हमें हमारे इल्यूजन से बाहर निकालने का. तो इस हफ्ते के अंत तक, क्योंकि यहाँ पर भी ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, माने कि इस हफ्ते के अंत तक कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी आपको कोई रियलाइजेशन हो सकती है, और उसकी वजह से वो भ्रम जो है ना उसके चक्रव्यूह से आप बाहर निकल सकते हैं. मैं आपके लिए थोड़ी सी और कार्ड्स लेना चाहूँगी गाइज. थैंक यू वेरी मच. सिंह राशि, लियो साइन, वाओ, यहाँ पर है मून. आई थिंक बहुत साइलेंट एनर्जी. अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो तो बहुत हो सकता है कि आप ही साइलेंट हो, आपके पर्सन भी साइलेंट हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, और उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्वभाव में असर आ रहा है आपके. देखिए, अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, यहाँ पर तो मैं आपको यही कहूँगी, अपने पर्सन को भी अपना इनर वर्क करने दो, आप भी अपना इनर वर्क कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए किसी चीज़ का. आपके पर्सन को भी बहुत सारा काम करने की, खुद के ऊपर, खुद के स्वभाव के ऊपर, यू नो, जो उनका रिएक्शन भी रहता है उसके ऊपर उन्हें काम करने की ज़रूरत है, और आपको भी वैसे ही. तो यहाँ पर भी डिवाइन टाइम है जो कि हमसे कह रहा है कि बस चुप करके अपना काम करो. आइसोलेशन वाली ही ऊर्जा होती है ये भी, कि यू नो, रात का समय, सोने का समय, जब सूरज उदय होता है तब हम काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि एक्शन नहीं लेना, यहाँ पर भी रेस्ट करनी है, रिपेयर करना है. वो जो वोंड खुल गया है ना आपका, आपका जो जख्म खोल दिया गया है उसको हमें अभी हील करना है किसी तरीके से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मून है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं आपको खुद को पता है कि इस वोंड को कैसे ठीक किया जा सकता है. कुछ ना कुछ आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में है गाइज, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, आपके सिक्स सेंस जो कि हील उसको उस जख्म को हील करने की समर्थ रखती है. तो बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, अटेंशन लगानी है उस दिशा में. वाओ, कम ऑन. चौथा मेजर आर्काना है आपकी रीडिंग का, आई मीन पांचवा, पांचवा और छठा, 1 2 3 4 कम ऑन, 6 मेजर आर्कानास. लियो एक्सट्रीम, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है अगेन. आई थिंक इस हफ्ते के अंत तक कोई ना कोई जरूर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपका इंतजार कर रही है. हफ्ते की शुरुआत थोड़ी भारी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ेंगे और इस बात को समझेंगे कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, किसी के गुस्सा मुझे किसी के ऊपर नहीं निकालना है, वो थोड़ा सा सिर्फ आपको कॉन्शियसली ना डिसाइड करना है कि हाँ मुझे मेरा रिएक्शन ऐसे नहीं, ऐसे रखना है, मुझे न्यूट्रल रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है. और इस हफ्ते के अंत तक यहाँ पर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है. यहाँ पर मैसेजेस भी हैं कुछ लोगों के लिए. अगर आप किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हो, इस हफ्ते के अंत तक आपको कोई डेफिनेटली संकेत मिल सकता है उस पर्सन की तरफ से. यहां पर है फोर ऑफ कप्स, डेफिनेटली गाइस, यहां पर है सुधार तो है, यहां पर कोई ना कोई सुधार जरूर है, कोई ना कोई ऑफर जरूर है, मैसेज जरूर है, इनविटेशन, ये पुकार है जैसे ईश्वर की कि हां अगर तुम इससे संतुष्ट नहीं हो तो लो एक और कप देता हूं, इसको आजमा कर देखो. अभी तक जो तुमने 3 ट्राई किए, शायद उसमें आपको वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन अगर नहीं मिली है तो कुछ ना कुछ नया करना है. बेसिकली यहाँ पर आपका क्रिएटिव साइड से भी आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है. अगर आपका कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन है आपके पास, कुछ ना कुछ जो भी आपको क्रिएटिविटी में पसंद है, उस एक्टिविटी में भी अगर आप अपना मन लगाओगे इस हफ्ते, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑफर तो है, लेकिन अगर आप ये कहें कि नो, वो बच्चों वाली ऊर्जा, यू नो, वो ऐसे करके जब बच्चे बैठ जाते हैं कि ना, वो जिद्दी एनर्जी, तब आप ना वो नहीं देख पाओगे जो ईश्वर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टावर है ना, ये भी आपकी अटेंशन को पाने के लिए है। ईश्वर जैसे आपकी अटेंशन को पाना चाहते हैं, आपका ध्यान वैसे भटका हुआ है। वो कह रहे हैं कि अच्छा, तू तुझे मैंने इतने साइन दिए, तूने नहीं देखा, अब तू टावर को तो तू नहीं इग्नोर कर सकता ना, तो टावर को तो वो इसी वजह से वो आपके जीवन में टावर को भेज रहे साइन के तौर पर। तो मेक श्योर कि आप अपनी इंट्यूशन को भी सुने कि वो आपको क्या कह रही है। आपके एंजल्स के साथ अगर आपका कनेक्शन महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में हमारे पास एंजल ही हैं। साइंस को इग्नोर नहीं करना है, साइंस को हमें ध्यान देना है कि क्या कहा जा रहा है मुझसे 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 क्या मांगा जा रहा है ईश्वर की तरफ से, ताकि वो एक्शन लेकर आप अपने जीवन को बदल सकें। ठीक है, आई नो गाइज, इंटेंस एनर्जी है, लेकिन जो मैसेजेस हैं उसमें मैं बेईमानी नहीं कर सकती। जो है सो है, वो आपके लिए है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप इसको स्वीकार कीजिए, नहीं करना है तब भी कोई बात नहीं, आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए। खैर, तो जो भी आपके विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिन लोगों के साथ भी ये रेजोनेट हुआ है। और गॉड ब्लेस यू गाइस, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए हफ्ते की। आप कर लोगे आप। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।